शुक्रिया अदा करूंगा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कि वो प्लेटफॉर्म हमें भी वहां पे मिल रहे हैं। बड़े करीब हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्किल डेवलपमेंट है उनसे कोई एमओयू करें ताकि हम जो स्कीम्स है जैसे मुमकिन है उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए है, जामिया कायादत के पास पहुंचा है यूनिट, चाहे वो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फेडरेशन का छोटे से छोटा जो हमारा लास्ट का यूनिट है, लास्ट का बाजार है, उसको एक मैं एक कि वो उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा पाए, उसके बाद आपके पास इतने मसाइल नहीं पड़ना, किस स्किल के आप माहिर हैं, आपके अपने बच्चे आपका स्किल लेने को तैयार नहीं क्योंकि आगे से बेचस नहीं, हमें वो करंट लाइन मिलती नहीं पीछे से भी क्योंकि हालात खराब है, लोग हम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए इंशाल्लाह रहमान मैं आपको इस हाजी गुलाम मोहिद्दीन सूफी वाइस प्रेसिडेंट मलिक सेक्रेटरी जावेद अहमद मलिक साहब अमलो दखल जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का उस पर एक अमल पैरा गवर्नमेंट उस पर हो। लास्टली आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो जुड़ने का मकसद है ये सिर्फ इतना है कि ये जो ताजिर है इसको फ़ायदा मिले, ना हमें सियासत करनी है, ना हमें लीडरी ढूंढनी है, ना हमें ये ढूंढना है कि कौन सही कौन गलत, इन चैप्टरों में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी इस नीयत के साथ आगे आना चाहता है कि वो इस मजलूम और इस वक्त एक हिसाब से कहें कि बेबस ताजिर है क्योंकि वो इस हद तक इस जाल में फंस चुका है, निकल नहीं पा रहा, उसकी जो हेल्प के लिए आगे आना चाहता है हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपके पीछे जम्मे गफीर आज आपने देखा करीबन 150 के करीब बाजार्स कमेटियों ने इसमें शिरकत की जो कि ना सिर्फ श्रीनगर सिटी से आई थी बाकी जो हमारे अजला हैं उनसे भी आई थी और कम से कम 25 एक ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो आपके माध्यम से सबका शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम आपको एक जामिया एक मेमोरेंडम बना के जो हुकूमत वक्त है चाहे वो दिल्ली की हुकूमत वक्त है या जो उनका एक्सटेंशन श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वसादत से बैठे हैं हम उनके पास अपना जो मसाइल हैं उनको लेके जाएंगे, अपनी तजावीज़ भी उनको देंगे और इंशाल्लाह ताला अपने जो मसलों का अजाला लेके आएंगे। समझना होगा कि द मोमेंट हम टैक्स भरते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जब तक सही चलेगा एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता है, अगर कोई भाई पीछे हो जाता है किसी भी वजह से तो उसको उभारना वेलफेयर स्टेट का एक दायमी फ़र्ज भी है क्योंकि उसी वही जो हक है राइट टू लिव हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि कश्मीर की इकानमी के लिए हमेशा जो भी हमारी ताजर अंजुमने हैं उन्होंने कोशिशें की हैं कि भाई सिर्फ एमिनिस्ट्रीज एंड स्टफ़ के ऊपर बात हो, हाँ ये बात सही है की है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो पॉलिसी पर बात करती हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप भी यहीं पर हैं, हम भी कहीं भागे नहीं, आप भी इंशाल्लाह ताला जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको वो देंगे कि एक विन विन सिचुएशन कैसे बने, हम खुद अपनी टांगों पे कैसे खड़े रहें, हम वो आदमी बनना चाहते हैं उस कौम का निर्माण करना चाहते हैं, उस कौम की एक तख्लीक तो नहीं कहूँगा वो अल्लाह का काम है कि हम उसकी कोशिश करें जो ना ही सिर्फ खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो बल्कि जो बाकी हमारे जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं उनको भी अब अमन कह लीजिए कि उनकी हेल्प भी कर पाएँ, उसके लिए हमें उन सोर्सेज पे काम करना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो हमारा टूरिज्म के हवाले से बात हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से बात हो, चाहे आर्टिज़न के हवाले से बात हो, ये वो बंदे हैं जो हमारे अंदर पैसा लाते हैं। अगर आज से करीबन 10 से 12 साल पीछे चले जाएँ तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स था वो अराउंड 2400 करोड़ के आसपास है जो कि डिप होके 500 रह गया है, तो ये 1500 करोड़ का जो गैप है ये भी हम ही ने ब्रिज करना है। सो इसको कैसे वापस लाना है ये पॉलिसी का मैटर है।